हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा और उस क्लासिफिकेशन में से एक सब किंगडम की। तो जो मोनेरा है, यानी कि जैसे कि हमको पता है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और अंत में किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम मोनेरा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं कि किंगडम मोनेरा जो है उसको 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया है या क्लासिफाई किया गया है। पहला है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम एंशियंट बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो लाइफ है या इसका जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ कुछ मिलता जुलता है एंशियंट बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव लाइफ से। दूसरा जो सब किंगडम है किंगडम मोनेरा का, वह है यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं यानी कि सच्चा बैक्टीरिया। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिटेल में आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जैसे कि हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बात की थी, ये इकलौता ऐसा किंगडम है जिसमें जिसके ऑर्गेनिज्म का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है। और यदि आर्की बैक्टीरिया पार्ट है किंगडम मोनेरा का, तो ऑब्वियसली उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो सेल टाइप होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। और ज़्यादातर जो किंगडम मोनेरा के जीव हैं वे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म भी ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। दूसरी बात, जितने भी प्रोकैरियोटिक इस धरती पर मौजूद हैं वह सब आर्किया में आ जाते हैं और बाकी बचे हुए यू बैक्टीरिया का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि आर्की बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसल्स। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना कि आर्की बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज लिविंग फॉसल्स। क्यों लिविंग फॉसल कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एंशियंट बैक्टीरिया भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लाइफ का फॉर्म है वह मिलता जुलता है प्रिमिटिव सेल्स है। और इसका एक और कारण ये है कि हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है, और इसी कारण से इन्हें हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, क्योंकि जो प्रिमिटिव सेल्स थी जब उनकी उत्पत्ति हुई थी तो कंडीशंस वह नहीं थी जो आज हैं। परंतु आर्की बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जैसे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत ही सलाइन कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में ये जीवित रह सकते हैं। और सिर्फ इसी के आधार पर, अपने हैबिटेट के आधार पर आर्की बैक्टीरिया को मुख्य 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मिथेनोजन, दूसरा है हैलोफाइल्स, तीसरा है थर्मोएसिटोफिल्स। तो शुरू करते हैं हैलोफिल्स से। तो देखो, सिंपल सी बात है, याद बहुत आसानी से याद कर सकते हो। हैलोफाइल्स 2 वर्ड से मिलकर बनाए हैलो और फिल्स। हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और फिल का मतलब होता है लविंग। तो यानी कि ये सॉल्ट लविंग है। कैसा है ये सॉल्ट लविंग है, तो हम ये बोल सकते हैं हैलोफिल्स बैक्टीरिया लिविंग इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया या फिर सलाइन कंडीशन। कैसे? देखो, हैलोफिल्स, हैलो का मतलब सॉल्ट और फिल्स मतलब लविंग, यानी कि ये कैसा है, ये सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है। इस तरीके से याद रखो। इसका एक एग्जाम्पल है कि कहाँ पाया जाता है, तो इसका द ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि उपस्थित है यूएसए में। एग्जाम्पल हैलो बैक्टीरियम और हैलो कोकस, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मो एसिडोफिल्स की। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो एसिड, और फिल्स मतलब लविंग। तो यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो तापमान को पसंद करते हैं, एसिड को पसंद करते हैं, उन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन
एनवायरमेंट हैविंग हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच, पीएच लो है यानी कि 7 से कम है तभी तो वो एसिडिक है, ठीक है, याद रखना इन सब चीजों को, इस तरीके से याद करोगे तो इजीली याद होगा। दे ऑब्जर्व्ड इन येलो स्टोन एसिड पूल इन यूएसए, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थर्मो एसिडोफिल कहाँ ऑब्जर्व किए गए हैं, येलो स्टोन एसिड पूल जो कि उपस्थित है यूएसए में, इसका एग्जाम्पल है सल्फोलोबस एंड थर्मोप्लाज्मा, ठीक है। अब आते हैं अंतिम पर जो कि है मिथेनोजेंस, मिथेनो मतलब मीथेन और जेन जेन मतलब जनरेशन, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं दे आर लिविंग इन अ मार्शी एरिया, दे आर मीथेन प्रोड्यूसर, ठीक है, दे आर मीथेन प्रोड्यूसर, ये मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं बाय द कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है, बाय द कंबाइनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये हमें देखने को मिलते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ हो गया, शीप हो गई, ठीक है। और यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं स्क्रीन पे, देखो सीना और मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, एक बार फिर मिथेनो सार्सिना मिथेनोकोकस मिथेनोबैक्टीरियम। तो चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, मिथेनोजेंस मिथेन प्रोड्यूसर, एसिडो थर्मो एसिडोफिल्स टेम्परेचर एसिड लविंग बैक्टीरिया, हेलोफिल्स यानी कि सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि समर्पित था आर के बैक्टीरिया और मुनेरा के क्लासिफिकेशन पर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।